केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत की प्रधानगी हेठ हो रहे G20 शिखर सम्मेलन नूं इतिहासिक पल करार दिंदिया डीडी न्यूज़ नाल विशेष वार्ता दौरान कई अहम गल्लां कहीं। एक पासे उन्हां कहा कि G20 दा मंच भारतीय रवायतां नूं दुनिया नाल रूबरू करवाएगा अते उत्थे ही डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप नूं इकोसिस्टम दे खेतर विच भारत की ताकत नाल दुनिया नूं जाणू करवाएगा। भारत के लिए एक ऐसा पल है जब हम भारत की कला संस्कृति साहित्य को तो दिखाएं, परंपराओं के बारे में बताएं, बट वहीं पर भारत, नया भारत जो डिजिटल पेमेंट्स के लिए जाना जाता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, डिजिटल करेंसी के ऊपर जो आरबीआई काम करी उसके लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हमने जो अब तक काम किया है, प्रो पुअर पॉलिसीज जो हमने लेकर आए हैं, और वुमेन लेड डेवलपमेंट, बहुत सारे एरिया से जहां पर भारत बहुत कुछ दिखा सकता है और बहुत कुछ दुनिया के साथ साझा कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने एक राष्ट्र एक चोण बारे कहा है कि यह समय की मांग है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई विच असी G20 दीआं बैठकां नूं बंद कमरे की बजाए देश दे वख-वख हिस्सों विच लैके गए हां। क्या सारा वन नेशन वन इलेक्शन, क्या सारा साल देश चुनावी लड़ता रहे 5-5 महीने तक? एक साल में 5-5 चुनाव आते हैं जी, आपका आधा समय केवल चुनाव लड़ने में चले जाता है, टैक्स पेयर का पैसा उसमें चले जाता है। अगर मोदी जी देश का पैसा बचाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं और देश के सामने एक ऐसी व्यवस्था रखना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो क्या बुराई है? चर्चा तो करे विपक्ष, ये विरोध करते थे वन नेशन वन टैक्स का, आज देखिए जो 90,000 करोड़ मुश्किल से टैक्स इकट्ठा होता था, आज 1,60,000 करोड़ रुपए महीने का टैक्स इकट्ठा होता है। नाल ही उन्हां कहा कि दुनिया अज भारत वल आस दीआं नज़रां नाल देख रही है अते उस दी अगवाई समर्था ते भरोसा प्रगट कर रही है।